तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम, सीखना आपका। सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं। शेयर चैट पर एक नया अपडेट आ चुका है और उस अपडेट का मतलब क्या है, उस अपडेट को कैसे अच्छे से जान सकते हैं, कैसे अच्छे से समझ सकते हैं और क्या बेनिफिट है उस अपडेट से आप सब लोगों को, जो लोग अर्निंग कर रहे हैं उनको भी, जो लोग अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों को भी। ये बहुत बड़ा अपडेट है और जो कि सब लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तो मुझे आज जाके मैंने सोचा कि यार इस पर वीडियो बना देनी चाहिए आज। तो दोस्तों आज के टॉपिक पर हम यही बात करने वाले हैं। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि शेयर चैट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस आती है वो आप तक पहुंच पाए दोस्तों। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहां पर अपडेट जो है वो शेयर चैट पर एक माई वॉलेट का आ चुका है। जब आप अपने अकाउंट को ओपन करते हो, अपनी प्रोफाइल में आते हो, तो प्रोफाइल पे आपको सीधा दिख जाता है माई वॉलेट। तो क्या है माई वॉलेट और कैसा है माई वॉलेट, कैसे काम करता है, क्या बेनिफिट है, इसके बारे में थोड़ा सा चल के देख लेते हैं। एनीवे दोस्तों यहाँ पे शेयर चैट ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे शेयर चैट ओपन करते हैं, ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस यहाँ पे खुल के आ जाता है। सेम वही जैसे ट्रेंडिंग टैग्स चल रहे होते हैं और आपके जो भी पोस्ट हैं होम पेज पे आपके जितने भी चीज़ें दिखती हैं सेम वही है। यहाँ पे आप एक्सप्लोर, यहाँ कुछ नहीं है, शेयर चैट, यहाँ पे चैट, चैट के बाद प्रोफाइल, प्रोफाइल पे जैसे आते हैं तो यहाँ माई वॉलेट का जैसी ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे माई वॉलेट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आपने देखा बाय कॉइन्स, तो यहाँ बाय कॉइन्स भी आप देखिए 10 रुपये के 50 कॉइन्स आपको यहाँ मिलते हैं, 25 रुपये के 150 कॉइन्स आपको मिलते हैं, 50 रुपये के 320 कॉइन मिलते हैं और 100 रुपये के 700 यहाँ पे कॉइन्स आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इसको सबसे पहले समझ लेते हैं हम कि आखिरकार इन कॉइन्स का मतलब यहाँ पे क्या है। तो यहाँ देखिए बता रहा है कि कॉइन्स है क्या, तो इसमें लिखा है कॉइन्स आर यूज टू सेंड गिफ्ट टू अदर यूजर टू क्रिएटर यू लाइक। अगर आप चाहते हैं तो आप किसी अदर यूजर को उसमें एज ए गिफ्ट के थ्रू ये सेंड कर सकते हैं आप ये कॉइन्स को। अब दूसरी चीज यहाँ पे आती है हाउ टू बाई कॉइन, आप इसको कैसे परचेज कर सकते हैं। तो यू कैन बी कॉइन्स फ्रॉम वॉलेट सेक्शन इन योर प्रोफाइल, यू कैन ऑल्सो बाय कॉइन्स विल सेंडिंग समवन वन अ गिफ्ट। तो यहाँ पर क्या है कि आप जो भी है अपने प्रोफाइल पर जितने भी अपने कॉइन्स देख रहे हैं सब इनको परचेज कर सकते हैं और किसी को भी आप एज अ सेंडिंग गिफ्ट के थ्रू यहाँ पर भेज सकते हैं। अब इसमें देखिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पर लिखा है वाट कैन आई डू विथ कॉइन्स, आप कॉइन्स को क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए यू कैन यूज कॉइन्स टू बाय अ सेंड गिफ्ट टू अदर यूजर एंड क्रिएटर्स, यू कैन सेंड गिफ्ट विल वॉचिंग अ लाइव स्ट्रीमिंग फॉर अ पोस्ट यू लाइक डायरेक्टली टू अनदर यूजर थ्रू चैट। अब इसका मतलब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये है कि आप जब भी कोई बंदा लाइव आता है तो लाइव स्ट्रीमिंग में आप उसको ये कॉइन्स सेंड कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली आप उसको सेंड कर सकते हैं और किसी अनदर पर्सन को भी आप ये भेज सकते हैं चैट के थ्रू। यानी कि अगर आप चैट कर रहे हो तो चैट के थ्रू भी आप इसको भेज सकते हो। तो यहाँ पे आपने इसको समझ लिया होगा। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन और हैं जिसमें लिखा है कैन आई कन्वर्ट कॉइन्स टू कैश, तो यहाँ पे लिखा है नो यू नॉट कन्वर्ट कॉइन टू कैश, यानी कि आप इसको कैश में नहीं कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन यहाँ पे जो लिखा है थोड़ा इसको भी समझ लेते हो, तो यहाँ लिखा है कैन आई कन्वर्ट कॉइन टू कार्मा, तो इसमें लिखा है नो यू कैन कन्वर्ट टू कार्मा। आप देखिए कार्मा में थोड़ा सा आ जाते हैं, तो कार्मा में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर कार्मा टू कन्वर्ट, यानी कि यहाँ पे आपको एक कार्मा है, कार्मा के बाद कन्वर्ट कॉइन है, कैश है, इसके बारे में आपको एक अलग से वीडियो बना के तब आपको इसको समझा पाऊंगा मैं कैसा क्या है। तो अभी इस वाले सेक्शन को हम लोग नहीं छेड़ रहे। तो यहाँ पे माई वॉलेट के अंदर जो मेन पार्ट है वो हमारा यही है कॉइन्स वाला। तो दोस्तों ये कॉइन्स वाला जो सेक्शन है आपने यहाँ देख ही लिया, 50 कॉइन्स आपको 10 रुपये में मिलेंगे, 25 रुपये में 150 कॉइन्स, 50 रुपये में 320 कॉइन्स और 1000 में आपको 700 कॉइन्स मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये लाभ उठा सकते हैं आप अपने वॉलेट के अंदर जो कॉइन्स है, लेकिन क्या बेनिफिट है या नहीं चलो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप लोगों ने समझ ही लिया होगा माई वॉलेट का मतलब आखिरकार क्या है। तो जैसा कि आपने देखा कि माई वॉलेट में आप अर्निंग जो भी आपकी है उससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं कॉइन्स में और कॉइन्स भी किसी को दे सकते हैं एज अ गिफ्ट के थ्रू, लेकिन जो कॉइन्स आप दे रहे हैं वो वहां पर कैश नहीं हो सकते, मतलब वो भी उस कॉइन को कहीं शेयर कर सकते हैं एज अ गिफ्ट लेके या फिर एज अ किसी फ्रेंड को लेके या शेयर पे बात करते हुए या फिर जब भी कोई लाइव पे आता है लाइव पे आप भेज सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये हो जाती है कि जैसे यूट्यूब में आपने देखा
होगा जब लाइव सेशन ओपन होता है, तो जब लाइव होते हैं तो आप उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके भेज सकते हैं। सेम वही जैसे कि आपने टिकटॉक या फिर लाइक एप्लीकेशंस पे देखा होगा, जब भी कोई लाइव आता है तो आप उसको इमोजीज भेजते हैं और कुछ गिफ्ट्स भेजते हैं। गिफ्ट्स भेजते हैं तो कुछ ना कुछ गिफ्ट्स आपको पहले परचेज करने पड़ते हैं। तो सेम इसमें भी यही चीज़ है। जैसे मान लो आपका कोई खास बहुत अच्छा दोस्त है, यार दोस्त है, और आपके साथ बहुत अच्छे से उसका कोलैब है, बहुत ओपन क्लोज हैं वो लोग, तो आप जब भी वो ओपन होता है, लाइव ओपन होता है, या फिर आप जब भी लाइव ओपन होता है, तो आप एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं गिफ्ट्स को। और उन गिफ्ट्स को कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ पेमेंट अपने अकाउंट से यानी कि अपने वॉलेट से उनको देनी पड़ेगी, तब वो आपको गिफ्ट्स मिलते हैं जो गिफ्ट्स आप दूसरों को दे सकते हैं। तो यहाँ पर फायदा भी इसका यह है, लेकिन ज्यादा कोई फायदा मुझे यहाँ पर लगा नहीं कि इसका इतना बड़ा फायदा हो सकता है। तो माई वॉलेट के अंदर यही चीजें आई है भी, और कुछ नए अपडेट होते हैं तो यही हम देखना चाहते हैं कि क्या नए अपडेट होते हैं। खैर, आज के इस टॉपिक पर आपको क्या लगता है कि माई वॉलेट से कितना फायदा हो सकता है और कितना फायदा नहीं है, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और जब भी आप शेयर चैट में कोई प्रॉब्लम में आ जाते हैं, जब मुझे कमेंट करते हैं, तो कमेंट करने से पहले एक बार मेरी वीडियोस में जाकर देख ले करो कि मैंने उस टॉपिक पर वीडियो बनाई है या नहीं, क्योंकि अधिकतर मुझे आंसर्स क्वेश्चंस की यही देने पड़ते हैं कि इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाई है, कृपया मेरे चैनल में जाकर देखो। तो दोस्तों पहले वीडियोस देख लेना और इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेना। आज के लिए बस इतना ही, बाय।